आज मैं आपको साबुन बनाना सिखाऊंगी जो कि हनी और बादाम से बनेगा। मैं हनी और बादाम साबुन जो है कि होममेड रेमेडी है जिसे मैं आप उसमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता है आइए मैं आपको बता दी। ये रहे ये 10 या 15 बादाम है। इस बादाम को मैंने रात भर चाहे 2-3 घंटे के लिए मैं इसे भिंगा करके रखी थी। भिंगने के बाद मैंने इसके छिलके को उतार करके इसको रॉ मिल्क के साथ मैंने इसका पेस्ट बना करके रखा हुआ है। और ये है मिल्क पाउडर, ये रहा हनी, हनी जो कि काफी स्किन के लिए अच्छा काम करता है। और ये रहा चावल का आटा, चावल का आटा जो होता है वो बहुत हमारे स्किन को क्लीन करता है। ये रहा एलोवेरा जेल। ये जो मैंने बादाम और इसको पीसा था उसका मैंने जो पेस्ट बना उसे छाना था ये रहा उसका, इसको मैं स्क्रब के रूप में यूज कर सकते हैं। ये रहा बादाम का तेल, ये है चंदन पाउडर, ये ग्लिसरीन, ये रहा लैवेंडर ऑयल। सबसे पहले आप एक सोप पेस्ट लीजिए जो कि इस तरह दिखता है। इसे एक बार में आप बहुत सारी खरीद सकते हैं और इसे आप जितनी चाहे मन चाहे सोप आप बना सकते हैं। तो आइए पहले इसे कट करते हैं। ये इतने सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं इसे काटने में बहुत ही मजा आता है। देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर दूंगी ताकि जब मैं इसे डबल बॉयलर में बॉईल करूंगी तो ये आसानी से मेल्ट हो जाए। इसे कट करने के बाद इसे एक मैं बाउल में निकाल दूंगी, फिर मैं एक फ्राइंग पैन में पानी रखूंगी, उस पानी को बॉयल होने दूंगी। बॉयल होने के बाद मैं इस कंटेनर को इस तरह सेट कर दूंगी, जो नीचे वाला कंटेनर इसको ऐसा होना चाहिए कि जो बाउल उसमें फिट हो सके। अगर एक भी बूंद आपके पानी सोप में जाएगा तो आपका सोप खराब हो सकता है, आप फिर उसे आप प्रिजर्वेटिव नहीं कर सकते क्योंकि इस साबुन को बनाने के बाद इसे एक महीने तक आप आराम से रख सकते हैं। जब तक मेरा सोप मेल्ट हो रहा है तब तक लाइए मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें लेना है चावल का आटा लूंगी, एक चम्मच में भर के चावल का आटा लूंगा। उसके बाद मैं मिल्क पाउडर लूंगी, जितने सूखे हैं जितने सूखे सारे जितने इंग्रेडिएंट्स है पहले उनको मैं मिक्स करूंगी, गीले चीज को मैं बाद में ऐड करूंगी। ये एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल आप होममेड भी ले सकते हैं या फ्रेश वाले एलोवेरा भी ले सकते हैं जो कि इस तरह दिखता है। फिर मैं इसे बादाम का तेल मिलाऊंगी लगभग एक चम्मच, क्योंकि ये विंटर का सोप है इसलिए मुझे थोड़ी तेल की मात्रा ज्यादा। तरीके से हमारा पेस्ट जो है बनके तैयार हो गया है। तो जो मैंने मेल्ट किया था वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखिए पूरे लिक्विड फॉर्म में हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे जो मैंने पेस्ट बनाया अब उसमें धीरे धीरे डालूंगी। इसे इस तरीके से डालना है कि लम्स ना पड़े, इसे धीरे धीरे कंटिन्यू इसे चलाते रहना है। अगर एक बार लम्स फॉर्म हो जाएंगे तो ये अच्छे नहीं जमेंगे और इस प्रोसेस को हमें जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये ग्लिसरीन सोप बेस साबुन है, ये जल्दी ही अपने आप में सूख जाते हैं। ग्लिसरीन तो हमारे स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। मैं हनी डाल रही हूँ, हनी तो आप जानते ही हैं क्लींजिंग का काम करता है। अब मैं इसमें एक जो मेन इंग्रेडिएंट है जो इसे मैं डालते ही इसकी इतनी खुशबू आ जाएगी कि साबुन जो है आपको बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, इसका नाम है लेवेंडर ऑयल। आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं बट मुझे लेवेंडर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बूंदे लेवेंडर ऑयल डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह मिक्स करिए। ये देखिए इस तरीके से कुछ बनके आपका बेस तैयार हो जाएगा।
या तो आप सिलिकॉन बाउल ले सकते हैं जो कि आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। ये मेरे घर में कुछ सोप के बॉक्स पड़े हुए थे जिसे मैं ले रही हूँ और इसे मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है ताकि ये निकलने में आराम रहे। अब मैं इस साबुन के बेस को इसके अंदर ढाल दूंगी। वाओ, देखिए ये साबुन दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इसे कुछ घंटों के लिए मैं इसे सेट करने के लिए छोड़ दूंगी। चाहे तो आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। रेफ्रिजरेट करने से कम एक घंटे में सेट हो जाता है। आप इसे बाहर करेंगे तो 3 से 4 घंटे इसे सेट होने में लगेंगे। लगभग 3 घंटे हो चुके। वाह, देखिए मेरे सॉप कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। ये सिलिकॉन मोल्ड वाला जो होता है वो आराम से निकल जाता है। ये देखिए अभी थोड़े से सॉफ्ट है बट लगभग मेरे सोप बन चुके हैं। देखिए कितने सुंदर और कितने सॉफ्ट बने हैं। ये वाला मैं इसे आपको दिखाती हूँ। इसे हल्का सा लेके आप इसे हल्के से यहाँ पर डैप करेंगे तो ये आराम से निकल आएगा। देखिए नो केमिकल, नो कुछ भी, और कितना सुंदर बना है। इसकी खुशबू इतनी सुंदर आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप में मैंने इसे बनाया है। बच्चों के जो कुछ छोटे छोटे टॉयज आते हैं उसको डाल के मैंने बनाया है। मेरे बच्चों के कुछ टॉयज बचे हुए थे, उस टॉयज को मैंने एक मोल्ड में डाल करके इस टाइप का मैंने ट्रांसपेरेंट सोप बनाया है। और इस टाइप के एक फ्लावर वाले भी आते हैं, इसे फ्लावर के शेप में मैंने इसे बनाया है। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोई भी शेप आदत से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मोल्ड में ही डाल के बना सकते हैं। प्लास्टिक के किसी कंटेनर में भी आप बना सकते हैं, चाहे वो जैसे भी शेप में हो। इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप घर में खूब सारे सोप बना करके आप इसे रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी बनाई हुई सोप आपको काफी पसंद आएगी। इसे आप लाइक करिए और कमेंट्स करिए। अगर मेरे सबको आप अगर अपने घर में बनाओगे, उसे यूज़ करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। अगर कुछ भी गलती हो, कुछ भी आपसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से ये सोप बना सकते हैं। इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जैसे लेमन एसेंशियल ऑयल, रोज एसेंशियल ऑयल, कोई भी ऑयल डालकर इसे फ्रेग्रेंस को आप चेंज कर सकते हैं। मुझे लाइक करिए और कमेंट्स करिए। जो मैंने हनी और बादाम सोप आपको बनाया था उसमें से कुछ जो जो सामान जो वस्तुएं थी वो देखिए, इस बादाम का जो मिक्सचर था वो मैं इसे हटा देती हूँ और ये बादाम का जो मैंने मिल्क बनाया था उसे भी हटा देती हूँ, मिल्क पाउडर भी हटा देती हूँ। उसके बदले मैं लाऊंगी मुलेठी का पाउडर और ये रहा बेसन, ये रहा मेरी हाथ की बनाई हुई मसूर की दाल और कपूर, और इसको मैंने पाउडर बना करके मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसे छलनी से छान दिया है। ये मेरी खुद की बनाई हुई हाथ की जो है उपटन है। और ये रहा बेसन, प्रोसेस सब सेम रहेंगे, मुलेठी पाउडर है। इसका मेन इंग्रेडिएंट ये लूपा है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसी लूपे को मैंने, जो साबुन मैंने मेल्ट किया था उसी सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को मिला करके और लूपा इसमें डाल करके उस टाइप का मैंने सोप बनाया है। देखिए इस तरीके से मैंने ये सोप बना करके रेडी किया है। देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। जो मैंने रिप्लेस किया था 3-4 चीज़ों को उसके बदले में इसे मैंने ऐड कर दिया था। और ये जो लूपा है मैंने कट करके साबुन के मोल्ड में डाल करके कुछ इस तरीके से साबुन बनाया था जिसका नाम है 2-in-1 सोप। इसे बच्चे सप्ते में एक बार यूज कर सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उसे डेली यूज कर सकते हैं। इतना मैं कह सकती हूँ कि कोई मिरेकल नहीं है, बट हाँ इसे आप यूज करने के बाद इसे एक कॉम्प्लेक्स जो है आपका सेड जो है एक सेड आपका कम हो सकता है। इसे आप यूज करिए और मुझे बताइए। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं कि ये साबुन कैसे बनता है।